बजट दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस के खराजात में 18 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इस साल तनख्वाह की मद में 24,41,000 सालाना वसूल करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक साजिद। जी सिद्दीक, बताइएगा खबर की तफसीलात। जी, बजट 2021-22 की दस्तावेजात है, उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ज़ाती अखराजात मुनज़्ज़म किए हैं और उनकी जो तनख्वाह है वो वही रहेगी जो कि रवां माली साल की, यानी कि वो तनख्वाह की मद में 24,41,000 रुपया सालाना वसूल करेंगे। अलबत्ता जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पब्लिक और इंटरनल है उसका जो बजट है उसमें जो है वो 18 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफा जो है वो किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इंटरनल का बजट 38 करोड़ 90 लाख से बढ़ाकर 40 करोड़ 10 लाख रुपए कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पब्लिक का बजट 34 करोड़ 80 लाख से बढ़ाकर 52 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रवां साल का पब्लिक का जो असल बजट था वो 47 करोड़ 40 लाख रुपए था, मगर बाद में उसमें नजरसानी करके 13 करोड़ की कमी की गई, लेकिन अब जो है इसमें 18 करोड़ रुपए का आइंदा माली साल के इजाफा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो तहाइफ की मद में मुस्लिम शख्सियात को जो तहाइफ दिए जाते हैं उसकी रकम रखी गई सिर्फ 5 लाख रुपए। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद अपडेट करने के लिए।